हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 3 का इंग्लिश का चैप्टर 2, द माउस एंड द आंट, चूहा और चींटी की कहानी। तो चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। इन ए ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए कनाडा देर इज ए ग्रेट पार्क। कनाडा के एक खूबसूरत हिस्से में एक बहुत ही बड़ा, ग्रेट यानी बड़ा पार्क था, वेयर मैनी वाइल्ड क्रिएचर लिव। वहाँ पे बहुत ही जंगली जंगली जो प्राणी है वो रहते थे, जंगली जीव रहते थे। बॉयज एंड गर्ल्स लव टू विजिट दिस पार्क। लड़के और लड़कियों को वहाँ पे पार्क की यात्रा करना बहुत ही अच्छा लगता था। दे कैरी बॉटल्स ऑफ शुगर वाटर फॉर द बेबी बियर्स। जो वहाँ वो लोग थे, लड़के और लड़कियाँ, वो वहाँ पे भालू के बच्चों के लिए, बेबी बियर्स यानी जो भालू के बच्चे थे, उनके लिए मीठा पानी की बोतलें लेके जाते थे। दे आल्सो लुक फॉर द ब्लैक बीवर एंड द ग्रेट बफेलोज। तो जैसे वो भालू के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाते थे, वैसे ही वो यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पे ब्लैक होगा, तो ब्लैक बीवर्स एंड द ग्रेट बफेलोस। तो वो ब्लैक बीवर्स यानी उदबिलाव, उदबिलाव के लिए, और वो जो भैंसे होती थी उनके लिए भी वो कुछ ना कुछ लेके जाते थे। बट आई थिंक नॉन ऑफ देम हैज नेवर नोटिस लिटिल मास्टर माउस। लेकिन लगता है कि उन्होंने नहीं देखा, नोटिस नहीं किया उन्होंने लिटिल मास्टर माउस, लिटिल माउस को, और टीनी मिसेस आंट को, यानी कि चीटी को। माउस यानी चूहा और आंट यानी चीटी। मास्टर माउस और मिसेस आंट को उनकी तरफ उन्होंने देखा नहीं किसी ने भी। हु लिव नियर ईच अदर इन ए हॉल अंडर ए रॉक। तो जो मिसेस चीटी थी और जो चूहा था, उनकी तरफ किसी ने नहीं देखा कि वो भी एक चट्टान के नीचे बिल में रहते थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय पहले, मास्टर माउस एंड मिसेस आंट वर गुड फ्रेंड्स। बहुत समय पहले मास्टर माउस और चीटी, मिसेस चीटी है ना, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मिसेस आंट वाज प्राउड दैट द माउस हु सीम टू हर सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग शुड बी हर फ्रेंड्स। मिसेस आंट जो थी उसको गर्व था चूहे के ऊपर कि वो उसे उसे उसका वो एक बहुत ही बड़ा और स्ट्रोंग लग रहा था, जो कि उसका दोस्त होना उसे चाहिए। बच्चों, ये बात कब की है? जबकि ये पहले दोस्त नहीं थे, जबकि ये कहानी बता रहे हैं। शी वॉज वेरी प्लेज वेन ही स्टॉप्ड फॉर ए चैट विथ हर। वह बहुत खुश हुई जब उसने उसे बात करने के लिए रुकी। तो जब वो चूहा उससे बात करने के लिए रुका, स्टॉप यानी रुकना, फिर फॉर ए चैट विथ हर, उससे बात करने के लिए रुका, तो शी वॉज प्लीज, वो खुश हुई। तो चूहा जब उससे बात करने के लिए रुका तो चींटी बहुत खुश हुई। बट वन डे मिस्टर आंट सेड टू हर सेल्फ। एक दिन मिस्टर चीटी ने खुद से कहा, मास्टर माउस इज वेरी काइंड टू बी श्योर, कि सच में मास्टर माउस है जो चूहा है जो बहुत ही दयालु है। येट आई हैव नो डाउट देर आर अदर ग्रेट क्रिएचर आउट इन द वर्ल्ड हु आर जस्ट एज काइंड। फिर भी लेकिन फिर भी वो चींटी कहती है कि इस संसार में चूहे की जैसा कोई दयालु होगा, ऐसा उसको कोई संदेह नहीं है। यस यस वेंट ऑन लिटिल मिस्ट्रेस आंट नडिंग हर टाइनी हेड। हाँ, लिटिल चींटी है जो अपने सिर को हिलाती हुई चली जाती है। आई एम श्योर आई कुड फाइंड आउट मैनी अदर ग्रेट फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड। मैं दुनिया के
कई महान मित्रों का, ग्रेट यानी महान फ्रेंड्स यानी मित्रों का पता लगा सकती हूँ इन द वर्ल्ड। विश्व में मैं बहुत बहुत सारे महान मित्रों का पता मैं लगा सकती हूँ। आई हैव ग्रोन टायर्ड ऑफ मास्टर माउस, मैं मास्टर माउस से थक गई हूँ। आई विल सी इफ आई कैन फाइंड समवन स्ट्रॉन्गर देन ही इज, मैं देखूंगी कि क्या मैं चूहे से ज्यादा किसी और को मजबूत पा सकूंगी, ऐसा वो ढूंढ रही है। तो सो मिसेस आन क्राउड क्राउडेड आउट ऑफ द हॉल, अप द रॉक एंड टू द ग्राउंड अबव, चट्टान के अंदर जो बिल था, तो बच्चों ग्राउंड के ऊपर जो चट्टान थी और चट्टान के ऊपर जो बिल था ना, वो उसमें रेंगती रेंगती चींटी चली गई। इट वॉज ए कोल्ड डे, इट वॉज ए कोल्ड डे, सून स्नो बिगेन टू फॉल, ठंड का दिन था और बर्फ गिरने लगी। मिसेस आंट्स फीट वर ऑलमोस्ट फ्रोजन, और जो चींटी के जो पैर थे वो बर्फ में जमने लग गए ठंड के कारण। स्नो क्रैक, मिस्ट्रेस आंट, यू हैव फ्रोजन माई फीट सो दैट आई कैन हार्डली क्रॉल अलोंग, आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बर्फ से चींटी कहती है कि तुमने मेरे पैर जमा दिए हैं। चींटी ने कहा किससे, बर्फ से, कि तुमने मेरे पैर जम गए हैं, तो जमा दिए हैं और मैं बहुत ही मुश्किल से रेंग पा रही हूँ। क्या तुम दुनिया की सबसे मजबूत चीज नहीं हो, स्ट्रॉन्गेस्ट यानी मजबूत, थिंक यानी चीज, क्या तुम दुनिया की सबसे मजबूत चीज नहीं हो, ऐसा चींटी ने बर्फ से कहा। एंड डिड नो सर द स्नो, वास्तव में नहीं, बर्फ ने कहा, बर्फ ने क्या कहा, नहीं वास्तव में नहीं, आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, कि मैं दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत चीज नहीं हूँ। द सन इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम, मुझसे ज्यादा मजबूत तो सूरज है, ऐसा बर्फ ने कहा। द सन शाइन डाउन एंड मेल्ट मी टिल देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑफ मी, तो सूरज कहता है कि बर्फ कहती है कि सूरज सबसे मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि सूरज जब तक चमकता है, शाइन यानी चमकना, जब तक चमकता है कि जब तब तक मैं मेल्ट नहीं हो जाऊं, सूरज चमकता है ताकि मैं मेल्ट नहीं हो जाऊं, पिघल नहीं, सूरज चमकता है और मुझे पिघलाता है, और तब तक मुझे पिघलाता है जब तक मेरे में कुछ नहीं बसता। मिसेस आंट पीप्ड अप एट द सन, मिसेस आंट जो थी, चीटी थी जो, वो सूरज से पूछती है उसकी तरफ, मिसेस आंट सूरज की तरफ देखती है। सन शी सेड, उसने कहा सूर्य, आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, क्या तुम दुनिया की सबसे मजबूत चीज नहीं हो। इंडेड नो, वास्तव में नहीं, सैड द सन, सूरज ने कहा वास्तव में नहीं, आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मैं दुनिया की सबसे मजबूत चीज नहीं हूँ। द क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी बादल, द क्लाउड्स आर स्ट्रॉन्गर देन आई एम, मेरी तुलना में बादल ज्यादा मजबूत है। When the way pass before me, जब वो मेरे पास से गुजरते हैं, they hide my face and I can no longer shine upon the earth, तो वो मेरा चेहरा ढक लेते हैं और मैं अपनी चमक पृथ्वी पर नहीं बिखेर पाता। मिस्टर्स आंट्स आंट लुक्ड अप ए पासिंग क्लाउड्स, मिस्टर चीटी थी जो, वो पास से गुजर रहे बादलों की तरफ देखती है। क्लाउड सेड शी, बादल उसने कहा, चींटी ने कहा, बादल
आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड? क्या तुम दुनिया की सबसे मजबूत चीज नहीं हो? इंडेड नो, वास्तव में नहीं, सेड द क्लाउड, बादल ने कहा। आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मैं दुनिया की सबसे मजबूत चीज नहीं हूँ। द वाइंड इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम, मेरी तुलना में हवा ज्यादा मजबूत है। व्हेन द वाइंड ब्लोस इट ड्राइव्स मी वेयर इट इल, जब हवा बहती है तो मुझे भी वो अपने साथ ले जाती है। विंड, विंड यानी हवा। देन द मिस्ट्रेस आंट आस्क द विंड, तब वो मिस्ट्रेस आंट है वो विंड हवा से पूछती है, ओ अरे विंड, अरे हवा, आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड? क्या तुम दुनिया की सबसे मजबूत चीज नहीं हो? इंडेड नो, सेड द विंड, वास्तव में नहीं, हवा ने कहा, विंड ने कहा, वास्तव में नहीं, आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, वास्तव में मैं दुनिया की सबसे मजबूत चीज नहीं हूं। ए हाउस इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम, एक घर ही मेरी तुलना में एक घर ज्यादा मजबूत है। नो मैटर हाउ हार्ड आई ब्लो, ए हाउस कैन टर्न मी असाइड एंड मेक मी ब्लो अनदर वे, जब हवा, जब चाहे मैं कितनी भी तेज बहूं, एक घर है जो मुझे दूसरी तरफ मोड़ देता है। मिस्टर्स आंट पियर एट ए ग्रेट हाउस अक्रॉस द वे, मिस्टर चीटी जो थी वो घर के पास से जा रही थी, रास्ते में एक रास्ता था जो घर पड़ता था, तो वो घर के सहारे सहारे पास पास से जा रही थी। हाउस, सेड शी, घर, उसने कहा कि घर, आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड? क्या तुम दुनिया की सबसे मजबूत चीज नहीं हो? इंडेड नो, वास्तव में नहीं, सेड द हाउस, घर ने कहा, वास्तव में नहीं, मैं दुनिया की सबसे मजबूत चीज नहीं हूँ। आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मजबूत चीज नहीं हूँ। द लिटिल माउस हु लिव्स इन द होल अंडर द रॉक इन रॉक इज स्ट्रॉन्गर, जो चट्टान के सहारे जो नीचे बिल बना होता है उसमें एक चूहा रहता है, वो मुझसे ज्यादा मजबूत है। विथ हिज शार्प टीथ ही नोज होल्स इन माई वॉल, जो चूहा है उसके जो तीखे दांत है उससे वो मेरे घर के दीवारों में, वॉल्स यानी दीवार, होल यानी बिल, बिल बना देता है। ही कैन मेक हिज वे इन टू एवरी रूम, वो एक रूम से दूसरे रूम में बिल बना लेता है, रास्ता बना लेता है जाने के लिए। एट दिस वर्ड, इन शब्दों के बाद मिस्ट्रेस आंट टर्न अवे एंड वेंट बैक टू द हॉल अंडर द रॉक, इन शब्दों के बाद मिस्टर जो चीटी थी वो मुड़ गई और अपने हॉल में, जो चट्टान के नीचे जो हॉल था उसके अंदर वो वापस चली गई। गुड डे मिस्ट्रेस आंट, सेड द मास्टर माउस, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू हेयर अगेन, अच्छा दिन, मास्टर माउस, चूहे ने कहा चींटी से कि अच्छा दिन, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें यहाँ वापस देखकर, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू टू, टू मास्टर माउस सेड लिटिल मिसेस आंट वेरी रेस्पेक्टफुली, तो मिस्टर मिस्टर माउस है उसने कहा कि मैं भी आदर पूर्वक, तो मिस्टर आंट है वो चूहे से कहती है कि आदर पूर्वक कहती है कि मैं भी तुम्हें यहाँ वापस देखकर बहुत खुश हूँ। तो ये थी आज की हमारी कहानी चूहे और चींटी की, जो कि चींटी ने चूहे को दुनिया का सबसे मजबूत प्राणी कहा है।
अब हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।